हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की स्टूडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो आपका तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। कहने का मतलब क्या है कि लगभग पूरी दुनिया में अमेरिका का क्या वर्चस्व था। वर्चस्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों दबदबा, है ना। वर्चस्व का मतलब क्या होता है? दबदबा। दबदबा का मतलब वही दादागिरी। तो अमेरिका का क्या दादागिरी हुआ? जैसे कि पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, वहां पर हम लोग देखे कि कैसे दो देशों के बीच शीत युद्ध चला, ठीक है। उनके बाद जो दूसरा चैप्टर आया दो ध्रुवीयता का अंत, इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो ध्रुवीयता था, एक आपका था रूस सोवियत संघ और एक था अमेरिका, जिसमें सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया। अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया, अब आप लोग जानते हैं कोई भी फील्ड में अगर दो राजा रहता है, कोई भी फील्ड में अगर दो राजा रहता है और जिसमें से एक अगर खत्म हो जाए, एक अगर खत्म हो जाए तो बचता एक है और एक का जो पावर है वो बढ़ जाता है। अब इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, ये जो है बेबाक हो जाता है, मतलब अब इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो अमेरिका के सामने में भी जो है कोई नहीं था, अमेरिका एक अकेला देश था जिसको बहुत ज़्यादा ताकतवर था, दबदबा बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गया था। तो आज जो है बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में अमेरिका के दबदबा के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है वो आपका बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल आसान भाषा हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। मैप के साथ आपको अच्छे से सारी चीजों को समझाएंगे। बस आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, तभी जो है ये पूरी कहानी पूरा स्टोरी आपको समझ में आएगा जी, ठीक है। शुरू किया जाए, चलो। तो आज का हेडिंग प्यारे बच्चों आपको डालना है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अमेरिकन हेजमनी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है। चलो जी, अब शुरू करते हैं। देखो हुआ क्या था, आप सबको कहानी तो मैंने थोड़ा बता दिया कि जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो सोवियत संघ जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका जो है विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा। मतलब जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो अमेरिका जो है ताकतवर बन गया और सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। कोई अन्य राष्ट्र संघ या देश उसके सामने टिक नहीं पाया और कोई भी दूसरा देश उसके सामने नहीं आ पाया। कोई भी या तो संघ या तो राष्ट्र या तो देश अमेरिका के सामने नहीं आ पाया, ठीक है। अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या तो अमेरिका प्रभुत्व कहते हैं या एक ध्रुव विश्व का दौर कहते हैं। एक ध्रुव का मतलब क्या होता है, जैसे दो ध्रुव का मतलब क्या हो गया, दो ध्रुवीयता का मतलब क्या आप लोग समझते थे, एक तरफ अमेरिका था एक तरफ सोवियत संघ था, तो इसको बोलेंगे दो ध्रुवीयता। अब एक खत्म हो गया तो एक अमेरिका बचा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक ध्रुवीयता, ठीक है। तो इसी को, ये जो अमेरिका का वर्चस्व होता है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या तो अमेरिका प्रभुत्व कहते हैं, याद रखिएगा, या तो हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका प्रभुत्व कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एक ध्रुव विश्व। इसी को क्या कहते हैं, एक ध्रुव विश्व। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो दबदबा चल रहा था इसी को हम लोग एक ध्रुव विश्व भी कहते हैं, अमेरिका का प्रभुत्व कहते हैं, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा वर्चस्व का मतलब आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब तो वैसे आसान भाषा में क्या होता है, दादागिरी, दबदबा। ध्यान से सिर्फ सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा चैप्टर यहीं पे समझ में आएगा, ठीक है। देखो, प्लीज आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है, चैटिंग नहीं करेंगे आपस में, आप लोगों से हम बातचीत भी बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन आप लोग चैटिंग मत करिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, वर्चस्व क्या होता है, व्हाट इज हेजमनी। देखो, वर्चस्व का सीधा सीधा मतलब होता है दबदबा, सीधा सीधा मतलब होता है दबदबा, दादागिरी, मनमानी करना या अपना रौब दिखाना। मतलब समझ में आ गया, यानी कि किसी का नहीं सुनना, है ना। जैसे क्या होता है कि जब जब किसी का पिताजी वगैरह नहीं होता है तो देखते हैं बड़ा बेटा जो होता है उनका दबदबा थोड़ा बढ़ जाता है, एकदम किसी को भी गुस्सा डांट दिया, किसी को भी कुछ कह दिया, ठीक है। या फिर दादागिरी, जो दादा लोग होते हैं, दादाजी लोग होते हैं, वो उसका भी दबदबा चलता है, उसके सामने किसी का नहीं चल पाता है, तो एक दबदबा हुआ। मनमानी करना, किसी का भी नहीं सुनना, तो वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, दादागिरी, मनमानी, अपना रौब दिखाना, किसी का नहीं सुनना, ये होता है दबदबा का मतलब। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का अर्थात सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत आदि का केंद्र जो है एक ही हो तो इसे वर्चस्व कहा जाता है। मतलब क्या हो गया, पूरे विश्व लेवल में अगर आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत का मतलब इकोनॉमी, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आर्थिक ताकत का मतलब क्या हुआ बच्चों, आर्थिक ताकत का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, यानी कि पैसा, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास, अमेरिका के पास। सैन्य ताकत, सैन्य ताकत भी इसी के पास। राजनीतिक ताकत जो था, राजनीति ताकत जो था, है ना, राजनीति ताकत, ये भी इसी के पास। तो राजनीति, सैन्य, इकोनॉमी, यानी कि वो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत, पैसे वगैरह का कोई कमी नहीं। सैन्य ताकत, सेना भी सबसे ज़्यादा इसी के पास, ठीक है। राजनीति ताकत, पूरे दुनिया में बोलबाला भी इसी का, ये जो बोले वही हो जाए। तो इस तरीके से जब है कोई देश को, अब ये तीनों चीज़ जिसके पास रहेगा तो ऑटोमेटिक है ना कि वो मनमानी करेगा। तो अमेरिका भी क्या करने लगा प्यारे बच्चों, मनमानी करने लगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि सैन्य ताकत हो गया, आर्थिक ताकत हो गया, राजनीतिक ताकत हो गया, ये सभी का केंद्र अगर कोई एक ही देश हो जाए तो उसी को ही हम लोग वर्चस्व कहेंगे। आज पूरी दुनिया में जो अमेरिका का वर्चस्व है
वो कायम है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका के सामने किसी का अभी भी नहीं चलता। वैसे चीन और रूस जो है वो बहुत ज्यादा टक्कर देता है, लेकिन तब भी अमेरिका जो है वो नंबर वन पे है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वर्चस्व का मतलब। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका के द्वारा नई व्यवस्था की शुरुआत, नई व्यवस्था की शुरुआत। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई देश अगर अकेले बचता ना, अगर किसी का ताकत बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि अगर बहुत ज़्यादा उसके उसके पास ताकत हो गया, वो अगर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, तो अब जो है ना वो मनमानी करने लगता है। मनमानी किस तरह का, ना किसी का सुनेगा, ना कुछ करेगा, कुछ कुछ नया नया नियम बनाएगा, जिसको चाहेगा मार देगा। और अमेरिका के बारे में ही इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, अमेरिका किस किस तरीके से मनमानी किया। जैसे वो इराक पर बिना मतलब का हमला कर दिया, किस तरीके से कुवैत और इराक को आपस में लड़वाया, लड़वाने के बाद फिर दोनों से आधा आधा तेल ले लिया। हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो अमेरिका के द्वारा नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत। देखो, विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के बीच सत्ता विभाजन, शक्ति संतुलन जैसी व्यवस्था ही विश्व व्यवस्था है। कहने का मतलब क्या हो गया कि पूरे दुनियावी लेवल में अलग अलग देशों के बीच जो सत्ता विभाजन का शक्ति संतुलन है, यही व्यवस्था क्या होता है, पूरी दुनिया में है। यही व्यवस्था क्या है, पूरी विश्व व्यवस्था है। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई और विश्व व्यवस्था में एक नया बदलाव आना शुरू हो गया, जो निम्न है। अब यहां पर चीजों को समझिए, यहां पर कहा क्या जा रहा है, यानी कि जैसे ही जो ये है आपका, यानी कि पहले क्या था, 1991 से पहले हर देश के पास कुछ ना कुछ ताकत था। इसके पास ये ताकत था, उसके पास वो ताकत था, उसके पास वो ताकत था, सोवियत संघ भी उधर कुछ उसके पास भी ताकत था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ हार गया और आपका जो द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, तो उनके बाद जो ये है अमेरिका है, इनके पास पूरा पावर हो गया और ये अपने मनमानी करने लगा। अब मनमानी क्या करने लगा, हम लोग निम्न उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, अब उदाहरण क्या क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस उदाहरण को देखिए। देखिए, मैप के अनुसार समझिएगा तो आपको जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमने क्या कहा, ये जो है आपका इराक है, ये आपका इराक है, ठीक है, और ये जो है आपका कुवैत है, ये आपका है कुवैत। ये कुवैत है और ये आपका क्या है, इराक। देखिए, ये इराक है, ये कुवैत है और ये क्या है, ईरान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में क्या होता है, आपको लोग को दिख रहा ना, क्लियर सारी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, देखो होता क्या है, अमेरिका कैसे जो है अपना मनमानी करने लगा, पूरी दुनिया को बदलने लगा और नया नया नियम अपने से करने लगा, उसी चीज़ को देखते हैं। हुआ क्या था, देखो कहानी क्या है, इसी को हम लोग प्रथम खारी युद्ध भी कहते हैं। तो अभी कहानी समझेंगे, फिर हम लोग जो है वर्ड में भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा नक्शा देखिए, तो ये जो है आपका प्यारे बच्चों क्या है, इराक है, आपका जो इंडिया है वो इधर है। ठीक है, ये क्या है, भारत है, ये देखिए इंडिया है, यहाँ पर देखते हैं गुजरात है, ये मुंबई महाराष्ट्र सारा चीज़ इधर है। ठीक है, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ईरान, ये आपका ओमान हो गया। पश्चिम तरफ हम लोग का ये सारा देश होता है, जो पश्चिमी जो मुस्लिम मिडिल ईस्ट जो है मुस्लिम ज़्यादा देश किधर है, पश्चिम तरफ है। ठीक है, तो देखो ये आपका इराक है, ये कुवैत है, ये ईरान है, और कुवैत और ईरान जो है, कुवैत का जो बॉर्डर है ना, वो ईरान से बिल्कुल भी नहीं सटता है। कुवैत का जो बॉर्डर है वो ईरान से नहीं सटता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर सटता है ना, तो उसी तरीके से जो कुवैत का बॉर्डर है वो ईरान से नहीं सटता है। ठीक है, ये आपका कुवैत है, ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या, इराक और कुवैत के बीच में अमेरिका लड़ाई लगवाने के लिए क्या किया, कि यहाँ पर जो इराक और कुवैत, इराक और जो कुवैत का बॉर्डर है वो आपस में सटता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इराक, इराक और कुवैत, कुवैत का बॉर्डर, वो इराक और कुवैत का जो बॉर्डर है वो आपस में सटता है। अब हुआ क्या, ये जो कुवैत है ना वो थोड़ा सा नीचे है और इराक जो है वो ऊपर में है। अब इराक के पास भी तेल है, कुवैत के पास भी तेल है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इराक ऊपर है तो इराक का जो ज़्यादातर तेल है वो नीचे बल जाता है, क्योंकि जो ज़मीन अगर नीचे रहेगा तो वहाँ पे बह के जाएगा, तो जो इराक का तेल है वो इधर कुवैत की ओर आ जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इधर जो अमेरिका है, मतलब अमेरिका जो है, जब ये तेल निकालने के लिए पंपिंग करना पड़ता है, तो ये क्या किया, कुवैत जो है, मतलब अमेरिका के कहने पर, कुवैत अपने मन से नहीं, अमेरिका उनको, क्योंकि अमेरिका यहाँ मतलब दबदबा के लिए दिखा रहा था, तो अमेरिका कुवैत को क्या कहा कि जाओ तुम जो है तेल निकालने के लिए बॉर्डर पर जाकर के पाइप गाड़ो, और पाइप जो है ना तुम तिरछा गाड़ना। अब होता क्या है कि जैसे तुम्हारा जमीन है तो जमीन तुम्हारा सीधा तुम्हारा होगा ना, ये क्या क्या कुवैत क्या क्या अमेरिका के कहने पर तिरछा गाड़ दिया पाइप को। अब जब तिरछा गाड़ दिया पाइप को, तो वो जो पाइप है वो चला गया किधर, तेल, किधर का तेल लेने के लिए, जब तिरछा गाड़ा तो वो चला गया इराक की ओर। अब इराक का जो राष्ट्रपति था वो था सद्दाम हुसैन उस वक्त में। ठीक है, इराक का जो राष्ट्रपति था प्यारे बच्चों वो कौन था, सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि सद्दाम हुसैन जो है वो क्या था,
सेना का कर्नल था, बहुत ही एक राष्ट्रपति भी था, साथ ही साथ सेना का कर्नल था, यानी कि बहुत ही ताकतवर इंसान थे ये, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये जो कुवैत है, जब वो पाइप गड़वाया और तेल लेने के लिए जब पाइप गड़वाया, तो ये तिरछा करके इराक की तरफ, इराक का तेल लेने के लिए ये तिरछा गड़वा दिया। किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। अब ये बात पता चल गया इराक को, इराक को जब पता चल गया, यानी कि जब सद्दाम हुसैन को इस बात का पता चला, भनक चला, तो वो क्या किया, सीधा युद्ध कर दिया कुवैत पर, क्योंकि कुवैत बहुत कमजोर देश था, इराक बहुत शक्तिशाली देश था। तो जब इराक कुवैत पर कब्जा, इराक कुवैत पर जब हमला कर दिया, तो कुवैत को पहले कह रखा था अमेरिका कि अगर वो कुछ भी करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ये बात कौन कहा? अमेरिका कहा था। किसको? कुवैत को कहा था, ठीक है। तो कुवैत भी क्या कहा इस बात पर, कह रहे अमेरिका तो मेरा साथ देगा ही, चलो हम भी लड़ाई करते हैं, जबकि ये बहुत छोटा देश था। ये भी क्या किया, इराक के साथ लड़ाई करने लगा, ठीक है। अब हुआ क्या, इराक और कुवैत की भी जब लड़ाई हुआ, तो कुवैत की ना बहुत जबरदस्त हार हुई और पूरा इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, क्योंकि कुवैत उतना ताकतवर था नहीं। अब इधर ये कह रहा है अमेरिका को बार बार कि आइए, हम युद्ध हो रहा, लड़ाई हो रहा है, आइए। लेकिन ये आता है 2 या 4 महीने के बाद जो है अमेरिका हेल्प करने के लिए आता है। अब हेल्प भी कैसे करता है, पहले क्या कहा था कि तुम जो है पाइप जैसे भी गड़वाना तुम गड़वाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे अगर वो कुछ करेगा तो। लेकिन जब ये साथ देने का बारी आया, तो यहीं पर वो दगाबाजी दिखाया अमेरिका, क्या दगाबाजी दिखाया कि तुम्हारा साथ हम तब देंगे जब तुम हमको आधा तेल दोगे। किसको कहा? कुवैत को कहा, ठीक है। अब कुवैत बेचारा मजबूर, यहाँ तो वो फंस गया है, तो अमेरिका को जो है वो आधा तेल दे दिया। कौन? कुवैत। कुवैत यहाँ पर फंस गया। अब जब अमेरिका को आधा तेल दे दिया, तो अमेरिका आया कुवैत की तरफ से, लड़ाई शुरू किया और इराक का जो है तहस नहस कर दिया अमेरिका, ठीक है। इराक को बहुत बुरी तरीके से मतलब कि हार हुई, साथ ही साथ इराक को भी अब क्या करा, पेनल्टी, क्योंकि जबरदस्ती कब्जा किया था, तो अब इराक के पास भी आधा तेल ले लिया अमेरिका। तो अमेरिका दोनों तरफ से फायदा हो गया अमेरिका को दोनों तरफ से फायदा हो गया। एक तरफ क्या था, एक तरफ इराक का जो है तेल आधा ले लिया, किस तरीके से, कुवैत का साथ देकर के, और कुवैत को साथ देने के लिए भी आधा तेल ले लिया। जबकि ये सारा कहानी किसने रचाया था? अमेरिका ने, है ना। अमेरिका को ये बात पता था, वो तेल लेने के लिए ये काम किया। अगर वो पाइप को सीधा गड़वाता, अगर बोरिंग सही से गाड़ता, अपने जमीन में गाड़ता, तो ये कोई भी लफड़ा नहीं होता। लेकिन जबरदस्ती अमेरिका के कहने पर कुवैत ऐसा काम कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या आगे, देखिए समझिए इस चीजों को। यहाँ पर कुवैत में जो है ना, इराक में उस वक्त में लगभग 2.5 लाख आदमी काम करता था, 2.5 लाख इंडियन, है ना, 2.5 लाख जो है इंडियन उस वक्त में काम करता था। कहाँ पर? इराक में। इराक में जो है 2.5 लाख इंडियन काम करता था। कहाँ पर प्यारे बच्चों? इराक में, ठीक है। और अब अगर यहाँ पर जो अमेरिका है वो इतना तहस नहस किया जो इराक का इतना तहस नहस किया कि जो 2.5 लाख इंडियन यहाँ पर काम करता था उसको वापस आना पड़ा। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, ये 2.5 लाख आदमी है, अगर इसको 50,000 करके भी सैलरी दिया जाएगा, 50,000 करके भी महीना दिया जाएगा, तो कितना हो जाता है? हमको लगता है लगभग 12 करोड़ या 1 अरब 25 कुछ ऐसे हो जाता है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि 2.5 लाख आदमी है जो कि इराक में काम कर रहा था, और 50,000 करके एक आदमी को भी दे, कितना ये हो जाता है ना। तो अमेरिका जो है ऐसा ही दादागिरी कर रहा था, कुवैत को बिना मतलब का जाके वो फंसा दिया, इराक उस पर हमला कर दिया, फिर ये कुवैत की तरफ से इराक को ये कर दिया, उसका तो फायदा हो गया, दोनों जगह उसको तेल मिल गया। लेकिन नुकसान किसको हो गया? इराक को हुआ, कुवैत को भी हुआ, साथ ही साथ भारत को भी हुआ। लेकिन उस वक्त में भारत जो है साथ नहीं दिया था, जबकि जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स आ जाए, जब इस तरह का स्थिति आ जाए, तो हम लोगों को साथ देना चाहिए, ठीक है। तो ये अमेरिका के द्वारा बिल्कुल देखा देखी गलत किया गया था, अब समझिए उस वक्त में। इसलिए जिससे फायदा हो उसी के साथ हम लोगों को हमेशा चलना चाहिए। तो इराक में उस वक्त में 2 लाख 2.5 लाख लोग काम करते थे, 50,000 करके सैलरी भी मिल गया, तो लगभग 1 अरब या फिर 1 अरब शायद होता, आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ कहानी हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया आपको स्टोरी। अब देखो आगे, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, है ना। तो चीजें तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आक्रमण हुआ था, इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण। 1990 के अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेजी से कब्जा जमा लिया। और कब्जा क्यों जमाया था वो स्टोरी हमने आपको बताया कि जब ये बोरिंग करवा रहा था तो पाइप जो है उसके जमीन में करवा दिया तेल वगैरह लेने के लिए, और फिर वो जो है कब्जा कर दिया था, ठीक है। तो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण 1990 के अगस्त महीने में, याद रखिएगा कब, 1990 के अगस्त महीने में जो इराक है वो कुवैत पर तेजी से कब्जा जमा लिया। क्यों कब्जा जमा लिया? क्योंकि कुवैत उसका तेल ले रहा था पाइप से एकदम तिरछा करके, ठीक है। इराक को समझाने बुझाने पर भी पीछे नहीं हटा, और इराक को इतना समझाया यूएनओ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा समझाया गया, लेकिन इराक नहीं समझा, ठीक है। जिस कारण यूएनओ ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग, इराक के खिलाफ बल प्रयोग की अनुमति दे डाली, यानी कि अब कह डाला, यूएनओ कह दिया कि जाओ अब इराक को वहां से हटाओ, वो नहीं हट रहा है कुवैत से, ठीक है। तो इस जब अनुमति दे डाला तो जॉर्ज बुश जो है इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, और जॉर्ज बुश जो थे यही इसको क्या कहा कि यही जो है नई विश्व व्यवस्था है, यानी कि अब यही नया सिस्टम है, अब ऐसा ही चलेगा,
कोई भी अगर कुछ करेगा तो देखो किस तरीके से हमने क्या क्या करके प्लानिंग बना करके ये सिस्टम को अपनाया, ठीक है। तो जब यूएनओ जो है इराक के विरुद्ध में बल प्रयोग का हुक्म दिया, जब युद्ध करने के लिए हमला करने के लिए हुक्म दिया, तो उनके बाद जो जॉर्ज बुश है इसी को क्या कहा कि यही है नई विश्व व्यवस्था, यही क्या है नई विश्व व्यवस्था, ठीक है। यूएनओ के अनुमति से अन्य देशों के सैनिकों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और यूएनओ के अनुमति से यानी कि यूएनओ के परमिशन से और भी कई सारे देश, लगभग देखिए गूगल में कहीं पे सर्च कीजिएगा तो कहीं पे आपको 34 देश दिखाएगा, कहीं पे 38 देश, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जब क्या कहता है इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया था तो यूएनओ जो है हुक्म दे दिया कि जाओ इराक को हटाओ कुवैत से, है ना। जब इराक को कुवैत से हटाने का बारी आया तो यूएनओ के अंदर कई सारे देश थे तो जिसमें से लगभग लगभग 34 या 38, कहीं पे 34 है कहीं पे 38 है कहीं पे 40 है, ठीक है। तो 34 या 38 या 40 देश मिल करके जो है किसको हटाने के लिए गया था, इराक को हटाने के लिए, कहां से, कुवैत से। चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, इस युद्ध में अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही और इस युद्ध में अमेरिका की बहुत बड़ा भूमिका रहा, इतना भूमिका रहा कि इसमें 75% जो सेना है वो सिर्फ अमेरिका का था, कितना, 75%। समझिए अमेरिका का किस तरीके से दबदबा बढ़ गया था। टोटल देश कितना है, लगभग 40 देश है, लेकिन 40 देश में जो 75% सेना है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का दबदबा, अमेरिका का दादागिरी कितना बढ़ गया था, ठीक है। और इस युद्ध में टोटल जो सेना था वो कितना था, 660,000, यानी कि 660,000 का 75% अगर निकालेंगे तो इतना जो सेना है वो सिर्फ अकेले अमेरिका का था। 660,000 में जो 75% सेना है यानी कि लगभग 495,000 सेना, कितना, 495,000 जो है वो अकेले किसका था प्यारे बच्चों, 495,000 जो सेना है वो सिर्फ अमेरिका का था, 660,000 में 75% सेना। इसी आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का दबदबा कितना बढ़ गया था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इसको क्या कहा गया, नई विश्व व्यवस्था, सिर्फ ये याद रखिएगा। अब इसी युद्ध को, यही जो युद्ध था यानी कि जो यूएनओ जो हुक्म दिया, सारा चीज जो हुआ, युद्ध हुआ, इसी युद्ध को हम लोग कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि फर्स्ट गल्फ वार। तो अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट गल्फ वार कब हुआ था, ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको डेट याद रखना 1991 में। वैसे शुरू जो है वो अगस्त के महीने में हुआ था, शुरू हुआ था आपका अगस्त के महीने में ही, जो इराक वो कब्जा किया था, लेकिन जो फाइनली खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, गल्फ वार भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। अगस्त 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला बोल दिया तब अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर आपको पूछा जाए प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में तो आपको ये स्टोरी बतानी है। स्टोरी सिर्फ समझिए, लिखना आपको ज़्यादा नहीं है, लिखना सिर्फ इतना ही है। देखो लिखना जो है आपको इतना ही है, जैसे इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण एनसीईआरटी में टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गए। अब खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं, खाड़ी युद्ध का जो है यही डेफिनेशन आपको देना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या है कि इस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध को, वही जो अमेरिका यूएनओ हुक्म दे दिया अमेरिका को कि जाओ हमला करो, किस पर, इराक पर हमला करो ताकि वो कुवैत को छोड़ दे, ठीक है। तो इसी युद्ध को कहते हैं फर्स्ट गल्फ वार या प्रथम खाड़ी युद्ध, जो कि हुआ था 16 जनवरी 1991 को, ठीक है, या फिर 1991, सिर्फ आपको डेट याद रखना है। खाड़ी युद्ध को ही हम लोग कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, खाड़ी युद्ध को क्या कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाना, मतलब जैसे किसी तरह का प्लानिंग चलाना, किसी तरह का प्रोग्राम चलाना कह सकते हैं, ऑपरेशन चलाना, जैसे होता ना कि ये ऑपरेशन है, मिशन ऑपरेशन, मतलब इस काम को आज अंजाम देना है, तो वही ऑपरेशन है। तो अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चला गया था, किसके खिलाफ, इराक के खिलाफ, इसी ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और इसी को हम लोग गल्फ वार भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ही, प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, गल्फ वार भी कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। और ये क्या हुआ, क्यों हुआ था, तो इराक के खिलाफ जो है 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत करी थी और अगस्त 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला बोल दिया तब अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर के, यहाँ पर देखिए 38 देश है, 38 देशों के साथ मिलकर के इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, किसके खिलाफ, इराक के खिलाफ, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए, इसके साथ ही अमेरिका ने बड़ी मात्रा में इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। आपको अगर पूछा जाए कि अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग किसमें किया था, स्मार्ट बम का प्रयोग सबसे ज्यादा किसमें किया था, तो बड़ी मात्रा में इसमें किया था, प्रथम खड़ी युद्ध में, ठीक है। तो इसके साथ ही अमेरिका ने बड़ी मात्रा में इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिसके कारण इस युद्ध को हम लोग कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। समझ में आ गया, इसी को हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, गल्फ वार भी कहते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स में ये सारा चीज
देख लीजिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत ये किया गया था। साथ ही साथ इसी को हम लोग गल्फ वार भी कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में भी गल्फ वार कभी कभी लिखा आ जाएगा। इसी को हम लोग कंप्यूटर युद्ध कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था और टीवी पर व्यापक कवरेज वीडियो गेम वार में बदल हो गया है ना, और इसी को हम लोग वीडियो गेम वार भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गेम वार, वीडियो गेम वार, क्योंकि जब टीवी पर इस तरीके से दिखाया जाता था तो इस युद्ध का नाम वीडियो गेम वार भी पड़ा। तो देखिए कितना नाम इस युद्ध का पड़ा था, ठीक है जी। अब परिणाम क्या हुआ, कोई भी युद्ध का परिणाम होता है, बिल्कुल होता है, कोई भी कहीं भी युद्ध होता है परिणाम तो होता है। देखो परिणाम, इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इराक की हार हुई, अमेरिका यूएनओ के सामने भी अपने आप को एक अच्छा शक्तिशाली राष्ट्र साबित कर दिया है ना। इस युद्ध में परिणाम क्या हो गया कि इराक की जो है बहुत बुरी तरीके से हार हुई, मैंने कहा ना बहुत बुरी तरीके से, इतना बुरी तरीके से कि यहाँ से 2.5 लाख लोग काम करते थे उनका स्थिति बद से बदतर हो गया, सबको वापस आना पड़ा, समझ गए। और घाटा हम लोग को हुआ, घाटा इराक को हुआ, कुवैत को, फायदा किसको, अमेरिका को, हर तरफ से, उसको तेल भी मिल गया आधा आधा, साथ ही साथ उसको क्या मिल गया कि अमेरिका जो है अभी यूएनओ के सामने ना और शक्तिशाली हो गया। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा, मतलब उसके सामने जो है एक और शक्तिशाली राष्ट्र साबित कर दिया अपने आप को, ठीक है। अमेरिका को कम खर्च करना पड़ा और अमेरिका को खर्च भी कम करना पड़ा इस युद्ध में, बहुत कम खर्च करना पड़ा क्योंकि 40 देश था, 40 देश यहाँ पर पैसा दे रहा था है ना। और जापान, सऊदी अरब तथा जर्मनी जैसे देशों से काफ़ी पैसा वसूला गया, अर्थात अमेरिका ने काफ़ी मुनाफा कमाया और खर्च के बजाय इसको और भी ज़्यादा क्या होने लगा, अमेरिका को मुनाफा होने लगा। तो यही जो है प्रथम खाड़ी युद्ध का परिणाम है। अगर आपको पूछा जाए प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध तो आप समझ गए, जो हमने आपको स्टोरी बताया किस किस तरीके से हमला किया, इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध कहते हैं, गल्फ वार कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं या फिर खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। और परिणाम अगर दिया जाए तो प्रथम खाड़ी युद्ध का जो परिणाम है वो यही है, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए प्रथम खाड़ी युद्ध का परिणाम, ठीक है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध का जो परिणाम है प्यारे बच्चों वो यही है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे देखो क्लिंटन का दौर। क्लिंटन जो है वो राष्ट्रपति था अमेरिका का, ठीक है। क्लिंटन क्या था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रपति था कहां का, अमेरिका का, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए। अब आगे देखिए, अब क्लिंटन का दौर का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब क्लिंटन यहां पर राष्ट्रपति थे, कहां पर, अमेरिका में, ठीक है। देखो प्रथम खाड़ी युद्ध के जीतने के बाद 1992 में जॉर्ज बुश की हार हुई, और जैसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध जीता अमेरिका तो उनके बाद जो जॉर्ज बुश जो राष्ट्रपति था, जॉर्ज बुश जो राष्ट्रपति था उनकी हार हो गई। कब हार हुई, 1992 में, ठीक है। और फिर जो है बिल क्लिंटन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना, और उनके बाद जो बिल क्लिंटन है वो बना अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये भी याद रखिएगा 1992 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो क्लिंटन है, क्लिंटन उसी का पूरा नाम क्या है, बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति कब बने थे, 1992 में, ठीक है। और प्रथम खाड़ी युद्ध जो जीता था 1991 में, वो जीतने के बाद जस्ट एक साल के बाद इलेक्शन हुआ जिसमें जॉर्ज बुश जो है उल्टा हार गया, जबकि उनको जीतना चाहिए है ना, क्योंकि जीते थे युद्ध। तो जॉर्ज बुश हार गया, क्लिंटन का जीत हुआ। अब क्लिंटन जो है वो बहुत अच्छे थे एक तरीके से, वो बाहरी मामला को छोड़ करके अपना देश को सुधारने में लग गया है ना, वो जो बाहरी चल रहा था कभी ये कभी वो सबको भूल गया। वो क्या काम किया, अपना देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपना देश के अंदर जिस तरह का भी प्रॉब्लम था, जिस तरह का भी समस्या था, जो भी डेवलपमेंट करने के लिए दिक्कत कर रही थी, उस चीजों को सुधारा, ठीक है। तो क्लिंटन ने बाहरी नीति के बजाय, अर्थात विदेश नीति के बजाय, घरेलू नीति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, घरेलू नीति को उन्होंने ज्यादा तरजीह दी। और फिर 1996 में क्लिंटन की जबरदस्त जीत हुई, मतलब एक बार तो वो 1992 में जीता ही, उनके बाद 1992 में जीतने के बाद वो ज़्यादा बाहरी देश में ध्यान नहीं दिया कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, जीने दो, वो अपने देश में ही ज़्यादातर काम किया, यानी कि घरेलू नीति जिसको हम लोग कहते हैं। विदेश नीति का मतलब हुआ बाहरी नीति, दूसरे देशों के साथ संबंध, दूसरे देशों को मदद करना वगैरह वगैरह, लेकिन घरेलू नीति मतलब जो अपने अंदर जो देश बेरोजगार है वगैरह वगैरह है, उनको जो है अच्छे से देखभाल करना, उनका विकास करना, ठीक है। तो ये जो क्लिंटन थे वो बाहरी नीति के बजाय, विदेश नीति के बजाय उन्होंने घरेलू नीति पर ज्यादा ध्यान दिया, और जैसे ही ये घरेलू नीति पर ध्यान दिया तो फिर 1996 में ये फिर जीत हुई। तो ये जो है दो बार राष्ट्रपति बने थे, एक बार 1992 में, एक बार 1996 में। और वहां पर क्या होता है, अमेरिका जैसे इंडिया में 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है, तो अमेरिका में 4 साल के लिए, ठीक है। तो लगातार जो है ये 8 साल तक राष्ट्रपति रहे, लगातार 8 साल तक, 1992 से कितना मतलब कि 2000 तक, लगातार 8 साल तक, ठीक है। इस तरीके से वो जो है 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहा। अब आगे देखो क्लिंटन के दौर में किया गया कार्य। अब जब क्लिंटन यहां पर था तो उस वक्त में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किया गया, जो कार्य अभी हम आपको बताएंगे। बच्चों हमने कई बार कहा है कि टॉपर भी यहीं से बनते हैं, मैं इस बात को बार बार क्यों कहता हूं कि यहां से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बना है, स्टेट टॉपर भी बना है, ठीक है, और यहीं से जो है फेल भी होता है। फेल के बारे में तो आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन फेल भी होता है, हकीकत है ये। अब कोई बच्चा टॉपर बना, कोई बच्चा फेल बना, इसी चैनल में पढ़ के क्यों, तो वो चीज़ आप दिमाग लगाइए। टॉपर भी आप यहीं पे बनते हैं, फेल भी यहीं पे होते हैं। अब क्यों होना, आपको क्या बनना, टॉपर या फेल, वो आप बताइएगा, ठीक है जी। चलो
अगला टॉपिक को देखते हैं। प्लीज चैटिंग मत कीजिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे चैटिंग मत कीजिए, आप मोबाइल को जो है इस तरीके से कर दो, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखो, ध्यान से चीजों को समझो। जो चैटिंग कर रहा है उसको करने दो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके पिताजी उसके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करके काम करके पैसे कमाता है, क्या क्या करता है, और उसका बेटा आके उसका बेटी आके यहाँ पर अपना जो है लाइफ बर्बाद कर रहा है, क्या ही सिस्टम है। क्लिंटन के दौर में किया गया कार्य, यानी कि जब क्लिंटन यहाँ पर राष्ट्रपति था 1992 से लेकर के कितने से 1992 से लेकर के 1992 से लेकर के 2000 तक जब यहाँ पर लगातार 8 साल तक ये राष्ट्रपति रहा, तो ये क्या क्या काम किया उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने सैन्य शक्ति विदेश नीति के बजाय क्लिंटन ने लोकतंत्र को बढ़ावा पर पुरजोर प्रयास दिया। तो हमने क्या कहा, ये बाहरी नीति को छोड़ दिया, अब सैन्य शक्ति को क्यों ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सैन्य शक्ति किस लिए आता है, किसी देश पर हमला करने के लिए, किसी पर युद्ध करने के लिए, तो ये सैन्य शक्ति को भी छोड़ दिया, विदेश नीति को भी ये छोड़ दिया, मतलब बहुत कम ध्यान दिया। ये ध्यान दिया किस पर, लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर, लोकतंत्र को और मजबूत करने पर जो है क्लिंटन ध्यान दिया, ठीक है। तो लोकतंत्र के बढ़ावा पर ये जो है पुरजोर प्रयास किया, विश्व व्यापार जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, और विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी अगर विकास करना चाहता है तो विश्व व्यापार होना चाहिए, आप कहीं पे जाकर के बेचिए वो आपके यहाँ आकर के बेचता है, तो विश्व व्यापार पर जो है क्लिंटन ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोगों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो इस पर भी जो है इन्होंने ध्यान दिया। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जैसे आज बारिश हो रही है, कल अचानक धूप हो गया है ना, तो इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इस इन सब मुद्दों पर जो है ये बहुत ध्यान दिया। क्लिंटन के दौर में अमेरिकी फौजी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार दिखा, और क्लिंटन जब यहाँ पर राष्ट्रपति था तो उस वक्त में जो अमेरिकी फौजी था वो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार था, हमें रहता था हमेशा। क्यों रहता था, तो क्योंकि जो ये राष्ट्रपति थे वो अपना घर को पहले घर ही ठीक नहीं रहेगा तो बोलता ना कि पहले क्या करो, अपना घर को संभालो, है ना, उनके बाद ही बाहर का दुनिया को संभालना, तो अपना घर को, तो अमेरिका भी क्या किया, अपना घर को संभालने लगा। जब अपना घर यानी कि अमेरिका को संभालने लगा तो सभी लोग इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, समझो ना, इतना सपोर्ट किया कि ये दो बार जीत गया, 1992 में भी और 1996 में भी, ठीक है। तो जो अमेरिकी फौजी थे वो भी अब हमेशा तैयार रहने लगा युद्ध करने के लिए। अब आगे देखो, क्लिंटन के दौर में किए गए कुछ प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण, यानी कि जब क्लिंटन यहाँ पर राष्ट्रपति था तो उस वक्त में कुछ प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण किया गया है ना, कुछ आक्रमण भी किया गया था, कुछ प्रमुख जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या क्या। देखो क्लिंटन कौन है, राष्ट्रपति है, लगातार 8 साल तक राष्ट्रपति था। 1999 में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, यानी कि 1999 में, डेट याद रखिए कब, 1999 में किसने, यूगोस्लाविया ने एक अल्बानियाई लोगों से, यानी कि जो अल्बानिया के जो लोग थे वहाँ के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है यूगोस्लाविया क्या कर दिया, सैन्य कार्रवाई कर दिया, यानी कि सेना का उपयोग किया लोगों को, जो लोग आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन के लोगों को कुचलने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो यूगोस्लाविया है वो 1999 में सेना का प्रयोग किया। इसके विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया पर 2 माह तक बमबारी की, और इसके खिलाफ, देखिए इसके खिलाफ, क्योंकि अब इसको दिखा कि भाई जब कोई आंदोलन कर रहा है तो आंदोलन करने दोगे ना, उसका वो हक है, तुम कैसे तुम आंदोलन को रोक सकता है, बिना मतलब का यूगोस्लाविया जाकर के क्या वहाँ पर सेना का प्रयोग कर रहा था। तो जब अमेरिका को ये दिखा तो अमेरिका क्योंकि नाटो का सदस्य था, नाटो के बारे में तो पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है नाटो में अलग अलग देश आते हैं, बहुत सारे देश अभी भी हैं, ठीक है, लगभग 131 शायद अभी देश हो गया है। तो इसके विरुद्ध अमेरिका नेतृत्व में नाटो के जो देश थे उन्होंने क्या किया, यूगोस्लाविया पर 2 महीने तक बमबारी किया, कितने महीने तक, 2 महीने तक लगातार उस पर बमबारी किया। तंजानिया ये हो गया सैन्य आक्रमण, जो कि किस समय हुआ था, जब यहाँ पर क्लिंटन राष्ट्रपति था, 1999 में राष्ट्रपति था ना, वो लगातार 2000 तक राष्ट्रपति था ना, 2000 तक, तो 1999 में ये किया, एक ये सैन्य आक्रमण किया क्लिंटन ने, क्लिंटन जो कि राष्ट्रपति था, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या किया, तंजानिया जो कि एक देश था, जिसको पहले उस वक्त में दार ए सलाम के नाम से भी जानते थे, तंजानिया जो कि एक देश है, ठीक है, तो वहाँ पर बने अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ, यानी कि वहाँ पर जो अमेरिकी दूतावास थे उस पर हमला हो गया, कहाँ पर, तंजानिया में जो भी अमेरिकी दूतावास था बना हुआ वहाँ पर जो है उस पर हमला कर दिया। इसके जवाब में 1998 में क्लिंटन के नेतृत्व में सैन्य कार्रवाई की गई, इसमें अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। अलकायदा जो है वो क्या है, आतंकवादी संगठन है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो पहला जो क्लिंटन जो जब यहाँ पर राष्ट्रपति था, सबसे पहले ये याद रखिए क्लिंटन कितने साल तक राष्ट्रपति था, ये सबको याद हो जाना चाहिए, तभी कहानी आपको समझ में आएगा। क्लिंटन जो है वो 1992 से लेकर के 2000 तक लगातार 8 साल तक राष्ट्रपति था। अब यहाँ पर क्या किया गया, जब यहाँ पर क्लिंटन राष्ट्रपति था तो उस वक्त में वो क्या क्या सैन्य कार्रवाई किया,
किस किस तरह का हमला किया। तो पहला जो हमला किया था वो ये किया था कि जो यूगोस्लाविया में जो अल्बेनियाई लोग जो आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए यूगोस्लाविया जो है वो सेना का प्रयोग किया था आंदोलन को खत्म करने के लिए। अमेरिका को ये चीज गलत लगा और फिर वो क्या किया, इसको लगातार 2 महीने तक जो है यूगोस्लाविया पर बमबारी किया। ये काम कब किया था, 1999 में। लगातार 2 महीना तक यूगोस्लाविया पर बमबारी किया, कौन, अमेरिका, नाटो के देश, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या किया, जो तंजानिया में जो अमेरिका दूतावास बना हुआ था उस पर किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, दूतावास पर किसी ने तंजानिया देश में हमला कर दिया और अमेरिका को क्या लगा कि ये जो है ये कौन किया है, अलकायदा किया है, अलकायदा जो कि आतंकवादी संगठन है, तो इसको लगा कि ये कौन किया है, अलकायदा किया। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1998 में अमेरिका जो है 1998 में क्या किया, फिर वही सैन्य कार्रवाई कर दिया। किसके नेतृत्व में, वही क्लिंटन जो कि राष्ट्रपति था उसी के नेतृत्व में वो जो है सेना का प्रयोग किया गया, सैन्य कार्रवाई कर दी, ठीक है। अब आगे देखो, एक और किया था जो कि है ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका सेना ने सूडान और अफगान में अलकायदा के ठिकानों पर भारी मिसाइलों, जिसको हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं, क्रूज मिसाइल का मतलब भारी मिसाइल जो कि बहुत खतरनाक मिसाइल होता है, ठीक है, से हमला किया, यानी कि ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच एक प्रकार का ये भी ऑपरेशन था। जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम देखा जो प्रथम खाड़ी युद्ध में हुआ था, ठीक, उसी तरीके से एक और ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। ये किसने किया, करवाया था, क्लिंटन ने। ये सारा हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, क्लिंटन का पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, क्लिंटन का पढ़ रहे हैं। तो क्लिंटन जो है वो क्या करवाया बच्चों, इस अभियान के अंतर्गत एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। इसके अंतर्गत अमेरिका सेना ने जो है जो सूडान और अफगान देश है तो वहां पर जो भी अलकायदा का जो भी ठिकाना था, जो भी आतंकवादी संगठन का ठिकाना था, उस पर जो है भारी मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से हमला किया। तो ये सारा काम जो किया गया था किस समय किया गया था, जब यहां पर क्लिंटन राष्ट्रपति थे, कहां पर, अमेरिका में, लगातार 8 साल तक, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच का परिणाम। अभी जो ऑपरेशन रिच इन्फिनाइट हुआ, जो अफगान और सूडान पर जो हमला किया गया आतंकवादी ठिकाने पर, ठीक है, अलकायदा के ठिकाने पर, तो उसका परिणाम क्या हुआ देखते हैं। तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच का परिणाम, इस ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगा, और इसका क्या हुआ कि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, मतलब क्या कहा गया कि अमेरिका जो है ये मनमानी कर रहा है, इस तरह का उन पर आरोप लगा कि तुम बिना मतलब का जाके कोई भी तुम कैसे हमला कर सकता है, वो था नहीं था, वो रियल में अलकायदा का ही संगठन था या कुछ और था, तुम बिना मतलब का शक के दायरे पर कैसे किसी पर हमला कर सकता है। तो इस पर जो है उल्लंघन करने का, जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई चीज़ अगर बोल देते हैं तो इन्होंने जो है इस कानून का उल्लंघन किया, ठीक, वैसे ही अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, आरोप लगा उस पर अमेरिका पर। साथ ही साथ इस अभियान में अमेरिका ने कई निर्दोष नागरिकों पर भी बम बरसाए जिनका अलकायदा जैसे संगठन से कोई लेना देना नहीं था, जिससे अमेरिका की आलोचना होने लगी, समझ में आ गया। अब बेकसूर लोग भी मारे गए थे जिसका दूर दूर तक जो है अलकायदा से या फिर आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं था। कहा जाता है जो आतंकवादी वो अलग चीज़ होता है, अब आतंकवादी को किसी भी धर्म से किसी भी जाति से आप नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, हर धर्म में हर जाति में कोई ना कोई आतंकवाद होता है, छोटा हो, बड़ा लेवल में हो, कोई बहुत बड़ा लेवल में होता है, लेकिन होता है, ठीक है, जैसे लिट्टे है, जैसे अलकायदा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी नाम नहीं पता। तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच समझ में आ गया आप लोगों को कि ये जो है बिना मतलब का जाकर के सूडान और अफगान पर जब बिना मतलब का हमला किया था, किस पर, अलकायदा के ठिकाने पर, इसका कहना था कि अलकायदा का ठिकाना है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुआ और बेकसूर लोग मारे गए, जिससे इनकी बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, बेहरमती होने लगी, उल्लंघन होने लगी, आलोचना होने लगी, ठीक है। अब आगे देखिए 11 सितंबर 1911 की घटना, जिसको हम लोग कहते हैं 9/11 की घटना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये 9/11 की जो घटना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सबसे पहले ना इसका डेट को थोड़ा समझिए, इसको हम लोग 9/11 नाम क्यों दिए हैं, 9/11, 9 जो है पहले क्या होता था अमेरिका में जैसे हम लोग डेट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर मान लो आज कितना तारीख है, आज जैसे आपका 18 जुलाई है, ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 लिखेंगे, है ना, 18 लिखेंगे, उसके बाद 7वां महीना है तो 7 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2024 2023, ठीक है, 2023। तो 18 पहले डेट लिखे, ये आपका क्या है, डे है, यानी कि दिन है, ये आपका क्या है, मंथ है, है ना, ये आपका क्या है, मंथ है, और ये आपका क्या है, ईयर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में जो है ना उल्टा चलता था। अमेरिका में कैसा चलता था, पहले जो है वो लोग मंथ को लिखता था, ठीक है, पहले जो है वो लोग किसको लिखता था प्यारे बच्चों, पहले लिखता था मंथ को, फिर लिखता था डे को, फिर लिखता था ईयर को, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये जो 9/11 की घटना है वो हुआ था मंथ का मतलब हो गया कि 9वां मंथ में हुआ था, 9वां मंथ का मतलब होता है सेप्टेम्बर,
नवा मंथ का मतलब क्या होता है? सितंबर, ठीक है। नवा मंथ का मतलब होता है, मैं क्लियरली लिखता हूँ, मैं क्लियर लिखता नहीं हूँ, यही प्रॉब्लम है मेरा। देखो नवा मंथ का मतलब क्या हो गया? सितंबर। सितंबर को हम लोग कौन सा महीना कहते हैं? नवा मंथ कहते हैं ना, सितंबर, ठीक है। और डे जो है वो 11, यानी कि 11 तारीख था, और ईयर जो है वो 2001 था, ठीक है। ईयर भी लिख देते 2001। तो अमेरिका में जो है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या चलता है, पहले दिन चलता है, फिर मंथ चलता है, फिर ईयर चलता है। तो अमेरिका में क्या चलता था? पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर। पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर। तो 9/11 का मतलब क्या हो गया? 9 का मतलब हो गया, ये क्या हो गया? मंथ हो गया। तो मंथ का मतलब ये क्या हो गया? सितंबर। ये मंथ है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? सितंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको क्या बोलेंगे? सितंबर बोलेंगे। और 11 क्या है? ये डे है, यानी कि 11 तारीख। तो 11 तारीख को नवा महीना में, तो ये जो है 11 तारीख नवा महीना में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग 9/11 हमला कहते हैं। और हम लोग इसको 11/9 हमला भी कह सकते थे, लेकिन वहां पर पहले महीना को लिखा जाता फिर डेट को, इसीलिए इसको 9/11 नाम दिए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा स्टोरी को समझिए, हुआ क्या था। देखो थोड़ा सा मैं आपको वही मैप से समझाता हूँ, वो मैप को समझाएंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। यहीं से कहानी जो है थोड़ा स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था कि जैसे हमने आपको बताया, पूरा स्टोरी को हमने समझाया था आपको, कि जो ये कुवैत पर जो है, इराक जो है वो कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये इराक जो है वो कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये कुवैत है आपका, और ये पूरा क्या है? इराक है। ये पूरा क्या है? इराक है। तो इराक जो है वो कुवैत पर कब्जा कर लिया था। अब जब इराक कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका जब कुवैत का साथ देने के लिए आया, चाहे जिस डिमांड पर भी, जिस शर्त पर भी, शर्त क्या लगा था कि तुम आधा तेल दोगे तभी कुवैत का हम साथ देंगे। कुवैत को कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तो ठीक है, वो मान गया। अब जब वो इस चीज़ को मान गया, तो एक और देश था जो कि था सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब कहाँ पर है? वो आपका इधर इस साइड में है, ठीक है। देखिए ये आपका सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया में क्या है? मक्का मदीना है, है ना। मक्का मदीना कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। और ये जो है पवित्र जगह है, जिसको हम लोग कहते हैं पाक जगह, या फिर इसको कहेंगे पवित्र जगह, है ना। पवित्र जगह इस्लाम के अनुसार, पवित्र जगह। तो देखो सऊदी अरब जो है वो क्या है? पवित्र जगह है, ठीक है। और इराक और कुवैत जो है यहाँ पर, मतलब सारा चीज़ था। अब अमेरिका क्या किया, कुवैत का साथ देने के लिए वो पहले सऊदी अरब आता था, और सऊदी अरब में आने के बाद फिर जो है वो हमला करता था कुवैत पर, इराक पर, ठीक है। तो वो उसका क्या काम का था? अमेरिका का काम ये था कि जब वो कुवैत का मदद करने के लिए आया, तो वो जो है आता था सऊदी अरब में, और सऊदी अरब क्या है? पवित्र स्थान है। तो जो ओसामा बिन लादिन था, ठीक है। ओसामा बिन लादिन को कौन कौन जानते हैं? ओसामा बिन लादिन, ठीक है। ओसामा बिन लादिन जो है वो रियल में अमेरिका के साथ उनका बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब वो इस्लामिक जगह है, वो पवित्र जगह है, अब ओसामा बिन लादिन कहा अमेरिका को कि तुम कुवैत को साथ दे रहा, तुम इराक को जाके मार रहा है, जो भी हमला कर रहा है, तुम यहाँ पर नहीं आएगा। कहाँ पर? सऊदी अरब में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कहा कि ये पवित्र स्थान है, या मक्का मदीना है, तुम यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के ये जब नहीं माना, अमेरिका जब नहीं माना, तो ओसामा बिन लादिन जो है वो हमला कर दिया, हाईजेक कर लिया। हाईजेक का मतलब होता है अपहरण कर लिया, एक तरीके से एरोप्लेन का हाईजेक कर लिया होता ना, जैसे कोई अचानक एरोप्लेन चलने लगा, चलने के बाद कोई बंदूक लेकर के खड़ा हो गया सामने में कि अब कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं डूलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? हाईजेक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो उनके बाद ये ओसामा बिन लादिन जो है वो क्या किया, जब अमेरिका नहीं माना, अमेरिका को कहा कि तुम इस पवित्र स्थान से क्यों आकर तुम इराक पर हमला कर रहा, तुम कहीं और से हमला करो, यहाँ मत आओ, तो ये नहीं माना, तो वो हाईजेक कर लिया। लगातार 4 एरोप्लेन को हाईजेक कर लिया, और 4 एरोप्लेन को हाईजेक करने के बाद चारों एरोप्लेन जो है वो टकराया अलग अलग जगह पर। हाईजेक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का डिमांड करना, तो अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए कि तुम बहुत मनमानी कर रहा है, उसी ओसामा बिन लादिन जो है वो अकेले, मतलब इनके साथ बहुत बड़ा ग्रुप था वैसे, लेकिन अमेरिका का 4 एरोप्लेन को हाईजेक करके अमेरिका को सबक सिखाने का काम किया एक तरीके से, ठीक है। तो इसी को हम लोग 9/11 हमला कहते हैं, जो कि ओसामा बिन लादिन के द्वारा किया गया था। प्यारे बच्चों समझ में आ गया 9/11 हमला? अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर स्टोरी को समझिए। देखो 9/11 हमला 11 सितंबर 2001 में, ये जो घटना हुआ था, ये जो ओसामा बिन लादिन हाईजेक जो किया था एरोप्लेन को, तो कब किया था? वही इसी दिन किया था, यानी कि 11 सितंबर को 2001 को, ठीक है। तो 11 सितंबर 2001 को अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता मतलब 19 हाईजेकर ने, टोटल कितना लोग थे 19 लोग थे। तो 19 अपहरणकर्ताओं ने, अपहरणकर्ताओं का मतलब होता वही जो अपहरणकर्ता, जो लोग का है ना, 19 अपहरणकर्ताओं ने
चार अमेरिकी विमान पर यानी कि चार अमेरिका के एरोप्लेन पर हमला किया, जिसे हम लोग 9/11 हमला के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया 9/11 हमला के नाम से जानते हैं, और ये क्यों किया उसका कारण भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो किसने 11 सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने चार अमेरिकी विमान पर हमला किया, जिसे हम लोग कहते हैं 9/11 हमला, ठीक है। इनमें दो विमान जो है वो कहां पर जाके टकराया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यानी कि न्यूयॉर्क के उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से टकराया था, ठीक है। तो इसमें से जो दो विमान है वो टकराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां पर था, जो कि न्यूयॉर्क में था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां पर था, न्यूयॉर्क में था। वहीं पे उत्तरी तथा दक्षिणी टावर में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो टावर था उसी के टावर में जाके टकराया था दो जहाज, ठीक है। उनके बाद तीसरा जो विमान है वो टकराया था, तीसरा जो विमान है वो पेंटागन यानी कि वर्जिनिया से टकराया था, जहां अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था, है ना। अमेरिकी रक्षा विभाग का जो मुख्यालय, जो मेन ऑफिस था रक्षा विभाग का, वहीं पे जाकर के एक विमान टकराया था। एक टकराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। अगर पूछा जाए कि जो विमान है वो कहां पर जाके टकराया था, तो एक विमान जो है वो टकराया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से, और एक जो विमान, जो तीसरा विमान है वो टकराया था कहां पर, वर्जिनिया यानी कि पेंटागन वर्जिनिया से टकराया था, जो कि अमेरिका तथा अमेरिका का जो है रक्षा विभाग का एक मुख्यालय था, ऑफिस था, ठीक है। और जो चौथा विमान है वो अमेरिका कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन यह जो है एक खेत में जाकर के गिरा था, जो पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है, वहीं पे एक खेत था। तो इसको टकराना कहाँ पर था, अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य इमारत था, जो बिल्डिंग था, वहीं पे जाके टकराना था, लेकिन उस बिल्डिंग के टकराने के बजाय वो जो है टकराया था कहाँ पर, एक खेत में जाके गिर गया, जिस ये खेत जो है वो कहाँ पर था, पेंसिल्वेनिया के खेत में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जगह पर जाकर के टकराया था, ठीक है। अब आगे देखो, अमेरिका में महीने की तारीख को लिखा जाना, तो हमने वही बताया कि पहले महीने को लिखा जाता था फिर तारीख को, तो ये आपका 11 तारीख हो गया, ये 9 महीना हो गया, इसीलिए इसको 9/11 कहते हैं। 9 का मतलब सितंबर, 11 का मतलब डेट। हम लोग पहले डेट लिखते हैं फिर महीना लिखते हैं फिर ईयर लिखते हैं, लेकिन वो लोग पहले मंथली फिर डेट फिर ईयर, इसलिए इसको 9/11 का नाम दिया गया, जो कि हमने आपको समझाया। समझ में आ गया आप लोगों को ना, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं, फटाफट बताओ। तो मजा आ रहा आप लोगों को 9/11 हमला, यस सर एक बार लिखिए। नीतीश बाबू, यस सर जी, सर जी राहुल कुमार। अब इसका परिणाम क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका परिणाम तो जो ओसामा बिन लादेन है, फिर वो अमेरिका उनके पीछे पड़ गया ओसामा बिन लादेन के, तो वो जो है चले गया कहाँ पर, वो चला गया अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान में कौन था, तालिब था, तालिबान था उस वक्त में, ठीक है। और तालिबान में जाकर के वो पनाह ले लिया। तब अमेरिका तालिबान को जाके कहा कि तुम जो है ओसामा बिन लादेन को वापस दो। तालिबान भी किसका था, एक तरीके से अमेरिका का ही था, लेकिन तालिबान जो है मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं है, तुम जाके देख लो। तो अमेरिका कहा कि अब हम युद्ध करेंगे, तो तालिबान कहा कि ठीक है युद्ध करो देखते हैं। लेकिन लास्ट में 20 साल के बाद जब जो बाइडन राष्ट्रपति बने, तो फिर वो जो अमेरिका है वापस हो गया, और अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। ये स्टोरी को समझिएगा, एक बार यूट्यूब में देख लीजिएगा, अभी फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब देखो 9/11 घटना का परिणाम, ये जो 9/11 घटना हुआ था इसका परिणाम क्या हुआ, अमेरिका पर किया जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़े हमलों में से एक था। ये जो हमला है ओसामा बिन लादेन की जो द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था वो आपको समझ में आ गया। पवित्र स्थान उसका था, अमेरिका को मना किया लेकिन वो नहीं माना। तो ये जो हमला है वो सबसे बड़ा हमलों में से एक था, ठीक है। इस हमलों में लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए थे। देखो किसी का भी सेंटिमेंट होता है उसको हर्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का भी मस्जिद, किसी का भी मंदिर, किसी का भी गिरजाघर वगैरह में जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, सेंटिमेंट पर हमला होता है। तुम अपना जो भी तुम्हारा धर्म है उस धर्म को मानो, अपना धर्म में खुश रहो, जिस जो जो कर रहा करने दो, अपना धर्म को मानो, तुम सही बनो, तुमको जाना है स्वर्ग, तुमको जाना है जन्नत, है कि नहीं। तो हमेशा जो है किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ओसामा बिन लादेन कभी भी हमला नहीं करता अगर अमेरिका पवित्र स्थान से इस तरह का काम नहीं करता तो, यानी कि मक्का मदीना से सऊदी अरब से इस तरह का काम नहीं करता तो कभी भी ओसामा बिन लादेन जो है वो हमला नहीं करता, ठीक है। तो फिर ये सारा चीज़ कुछ भी नहीं होता आज, लेकिन किया तो हुआ, तो कुछ करने से ही कोई चीज़ का परिणाम होता है, ठीक है। तो अमेरिका पर किया जाने वाला जो ये हमला है अब तक का सबसे बड़े हमलों में से एक था। इसमें लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए थे। अगर पूछा जाए कि 9/11 हमला में टोटल कितना व्यक्ति मारा गया, 3,000, ठीक है। अमेरिकियों की डर तथा असुरक्षा का माहौल सताने लगा। अमेरिका 1776 में जब से एक देश बना है उसने आज तक इतना बड़ा हमला कभी नहीं देखा था, समझिए। जब से देश बना है, कब से देश बना है, 1776 में, यानी कि अमेरिका जब से एक देश बना है तो इतना बड़ा जो हमला है वो आज तक नहीं देखा था, जितना बड़ा हमला ये हो गया 9/11 हमला। और ये इतना बड़ा हमला था, इतना बड़ा हमला था कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं उसको डर का माहौल सताने लगा कि कब क्या हो जाए, उसको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। लोग काम पे जा रहे थे उसको डर लग रहा था, कहीं पे बाहर निकल रहा था उनको डर लग रहा था, कोई एरोप्लेन में जा रहा था उसको डर लग रहा था, हर जगह लोगों को डर सताने लगा पूरा, मतलब इतना बड़ा हमला हुआ था। आप समझ सकते हैं लगातार 300 साल में इतना बड़ा हमला होना, ठीक है। आगे देखो, इधर 9/11 हमला को 1814 में
9/11 हमला को 1814 में ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन डीसी में किया गया आग जानी हमला तथा 1914 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर किया गया हमला से तुलना किया गया। कहने का मतलब है ये जो 9/11 हमला हुआ था जो कि कब हुआ था 2001 में, जो कि कब हुआ था 2001 में 11 तारीख 9 सितंबर 2001 में जो ये 9/11 हमला हुआ था, तो इस हमला को जो ब्रिटेन है वो क्या कहा, मतलब कि जो ब्रिटेन वाशिंगटन डीसी पर जो हमला किया था, याद रखिएगा यहाँ पर पॉइंट को, याद रखिएगा कि 1814 में ब्रिटेन के द्वारा वाशिंगटन डीसी पर हमला किया गया था, साथ ही साथ 1914 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, तो 1914 में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था और जस्ट 100 साल पहले यानी कि 1814 में ब्रिटेन के द्वारा वाशिंगटन डीसी पर हमला किया गया था, ठीक है। तो ये जो दोनों हमला किया गया था अमेरिका पर, इन दोनों से हमला से भी तुलना किया जाने लगा, किसका, 9/11 हमला का, जो पहले हमला हुआ था उस हमला का और जो अभी हमला हुआ 9/11 हमला सितंबर 2001 में, इसका तुलना किया जाने लगा कि सही वो उससे बड़ा हमला था या उससे कम था, ठीक है। इस हमलों में काफ़ी जान माल की क्षति हुई और इस हमला में 9/11 हमला में जो है बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई, तो 3000 व्यक्ति मारे गए, डर का माहौल हो गया, इतना बड़ा हमला नहीं था, ये सारा इसका क्या हुआ, परिणाम हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 9/11 हमला हुआ इसके बाद अमेरिका क्या क्या काम किया, 9/11 हमला के विरुद्ध अमेरिका की कार्रवाई, यानी कि जैसे 9/11 हमला हुआ परिणाम भी देख लिए, अब अमेरिका ने क्या क्या काम किया इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ। सबसे पहले जो क्लिंटन की जगह, क्लिंटन जो राष्ट्रपति थे, तो वो कब से कब तक राष्ट्रपति था, 1992 से लेकर के 2000 तक, याद है ना, लगातार ये 8 साल तक राष्ट्रपति था, 1992 से 2000 तक। लेकिन ये जो हुआ था 9/11 हमला वो कब हुआ था, 2001 में हुआ था, है ना। तो अब क्लिंटन की जगह जो है कौन बना, तो जो जॉर्ज बुश था उसी के राष्ट्रपति, मतलब कि जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW Bush के बेटा थे, है ना, जो HW Bush है उन्हीं का बेटा था कौन, जॉर्ज बुश, जो कि राष्ट्रपति बना, क्योंकि ये लगातार 8 साल तक ही, अमेरिका में एक और रूल क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है, एक तो 4 साल, यहाँ पर जैसे 5 साल है तो अमेरिका में 4 साल तक राष्ट्रपति बनता है और मैक्सिमम 2 बार, 2 बार से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो क्लिंटन है तो वो 1992 से लेकर के 2000 तक राष्ट्रपति बना, लगातार कितना साल तक रहा, लगातार 2 बार रहा, 8 साल तक, अब उनके बाद वो नहीं बन सकता है। तो उनके बाद जो पहले राष्ट्रपति था HW Bush, उसी का बेटा था जिनका नाम क्या था, जॉर्ज बुश, यही जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बना, ठीक है। अब 9/11 हमला को सहन करने के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या चलाया, जब इस तरह का हमला देखा तो इस हमला को सहन करने के लिए जो अमेरिका है वो चलाया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इनमें उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया जिनका 9/11 हमले से किसी तरीके से, 9/11 हमले से किसी तरह का संबंध दिखता था, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि राष्ट्रपति कौन बना बच्चों, तो राष्ट्रपति जो है वो जॉर्ज बुश बना, जो कि HW Bush का बेटा था, ठीक है। अब जैसे ही ये 9/11 हमला हुआ तो इनमें शक के दायरे में, है ना, इसके मतलब इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन जो चलाया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, वो सिर्फ इसीलिए चलाया गया था ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये 9/11 हमला ये करवाया है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या रहा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और इसमें क्या किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया जिन लोगों का इस हमले से संबंध था। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। अब ये तालिबान जो है वो किसका है, वो भी था अमेरिका का, ठीक है। तो देखो इस ऑपरेशन का जो मुख्य निशाना है वो अलकायदा को बनाया गया, कहा गया कि ये जो काम है वो अलकायदा का है, क्योंकि पवित्र स्थान अलकायदा मुसलमान उस वक्त में शक के दायरे में कहा जा रहा था, और ये करवाया कौन है हकीकत में, ओसामा बिन लादेन, जिसका अलकायदा से ये सब चीज़ से कोई संबंध नहीं था उस वक्त में, ठीक है। और क्यों करवाया गया, तो क्योंकि वो पवित्र स्थान में इस्तेमाल किया था। तो अलकायदा और अफगानिस्तान के साथ जो है एक तरीके से शासन को इसका मुख्य निशाना बनाया गया इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसका जो मुख्य निशाना है वो बनाया गया अलकायदा को और अफगानिस्तान को। इस ऑपरेशन के तहत लोगों को पकड़कर उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया, और इस ऑपरेशन के तहत वो लोगों को पकड़ता था और एक लोग को पकड़ने के बाद अलग अलग जगहों पर भेजा गया, एक जगह नहीं अलग अलग जगह, और जो जिन लोगों को पकड़ता था तो वो जिस देश से होता था उस देश की सरकार को भी नहीं बताया जाता था। मतलब मान लो कोई आदमी है जिसको पकड़ा गया अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान का सरकार को इन्फॉर्म करेगा ना कि हाँ हम एक आदमी आपको पकड़े हैं, शक है हमको, इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे, नहीं, वहाँ के सरकार को कोई भी चीज़ का कहना नहीं। देखिए वहाँ भी अमेरिका का क्या चल रहा है, दादागिरी चल रहा है, दबदबा चल रहा है। तो इस ऑपरेशन के तहत लोगों को पकड़कर उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया, उन्हें खुफिया जेल खानों में बंद रखा। इस गिरफ्तार लोगों के बारे में अमेरिका ने उसकी सरकार को भी कोई जानकारी नहीं दी, और
कोई भी सरकार को भी इसके बारे में नहीं बताया कि हम आपके लोग को पकड़ रहे हैं और लेके जा रहे हैं, इस तरह का जानकारी जो है वो अमेरिका जो है वो सरकार को भी नहीं दिया। ठीक है, क्यूबा अमेरिकी सैन्य ठिकाना पर भी कुछ लोगों को ले जाकर रखा गया। और जो क्यूबा था, क्यूबा पहले कौन था, पहले किसके तरफ था, सोवियत संघ की तरफ, लेकिन अब जो क्यूबा है, अब सोवियत संघ खत्म हो गया तो क्यूबा भी खत्म हो गया, तो क्यूबा जो है वो तो अमेरिका के नज़दीक था, तो अमेरिका का एक सैन्य ठिकाना था जो कि क्यूबा पर था, क्यूबा जगह पर था, क्यूबा मिसाइल संकट याद आया, तो क्यूबा जगह पर जो है अमेरिका का सैन्य ठिकाना था, तो कुछ लोगों को जो है वहाँ पर जाकर के भी, वहाँ पर जाके भी बंद कर दिया। इन लोगों को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को भी इस बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, समझ गए। तो जो लोग को पकड़ा जाता था तो सबसे पहला काम क्या किया कि उनको बहुत भयानक भयानक जगह में भेजा गया। अब ऐसा ऐसा जगह में जिसके बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि यूएनओ उसको भी नहीं बता रहा था, उसको भी किसी तरह का जानकारी नहीं दे रहा था, और जिन लोगों को पकड़ा जा रहा था जिस देश से, उस देश को भी जानकारी नहीं दे रहा था कि हम जो है, जैसे मान लेते कोई अफगानिस्तान, कोई पाकिस्तान से है तो उसको बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान से है, उनका संबंध है कहाँ से है, तो ये किसी भी तरह का कोई भी चीज़ का जानकारी किसी को नहीं दे रहा था। तो यही तो है अमेरिका का दबदबा, समझ में आ गया आप लोगों को, सारा चीज़ हो गया और किसी तरह का उनको सुरक्षा भी नहीं देता था। कहने का मतलब, अगर आप किसी को जेल पकड़ के लेके जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा देना पड़ेगा, भले ही वो क्रिमिनल हो, लेकिन उसको सजा जो है वो तो कोर्ट की है, मतलब के द्वारा मिलेगा ना, तो जब तक वो जिंदा है तब तक आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कोई जेल जाता है तो समझो कि वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, लेकिन अमेरिका इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, अब इराक पर आक्रमण। अब एक बार जो आक्रमण है वो तो 1991 में हुआ था, 1991 में जो आक्रमण हुआ था प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं ना, गल्फ वार, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध। तो 1991 में जो युद्ध हुआ था, जो कि अमेरिका इराक पर हमला किया था, कुवैत के, मतलब कुवैत पर जो कब्जा कर रखा था इसीलिए, तो इसी को 1991 में, इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। अब एक और युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ा इराक पर आक्रमण, फिर से दोबारा से जो है अमेरिका इराक पर आक्रमण किया, और इस बार क्या दिया, इस बार जो है क्या बोला कि यहाँ पर जो है ना अलकायदा है, यहाँ पर सैन्य संगठन है, यहाँ पर बड़ा बड़ा बम बनाया जाता है, बड़े बारूद बनाया जाता है, इसीलिए जो है हम इराक पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या रखा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। वो जो ऑपरेशन चलाया था 9/11 के दौरान, उस ऑपरेशन का क्या नाम रहा, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। इंड्यूरिंग, ये जितना भी ऑपरेशन है, टोटल 3 ऑपरेशन पड़े हैं। एक है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम, जो पहला पड़े थे प्रथम खाड़ी युद्ध में, फिर जो दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ था, इस खाड़ी युद्ध में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और जो 9/11 हमला के तहत पड़े उसका नाम क्या था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ये तीनों फ्रीडम का आपको अच्छे से डेट याद रखिएगा, ठीक है ना, एक जगह नोट कर लीजिएगा तीनों फ्रीडम को, तीनों का डेट याद रखिएगा। तो अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसके अंतर्गत इराक पर 19 मार्च 2003 को हमला किया गया, हालांकि यूएनओ इस हमले को इजाजत नहीं दी थी, यानी कि यूएनओ जो है किसी भी तरह का, अमेरिका को किसी भी तरह का परमिशन नहीं दिया था, अनुमति नहीं दिया था, लेकिन तब भी ये बिना मतलब का जाकर के किस पर हमला कर दिया, इराक पर हमला कर दिया। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, अमेरिका का दबदबा पढ़ रहे हैं, मतलब दादागिरी, मनमानी। ठीक है, तो बिना मतलब का जाके जो अमेरिका है वो इराक पर हमला कर दिया। अब आगे देखो, इस आक्रमण में अमेरिका अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ लिविंग्स 40 से भी अधिक देश शामिल हुए थे। कहने का मतलब है ये कोलिशन ऑफ विलिंग्स जो है एक तरह का संगठन था, इसमें लगभग 40 देश से भी ज़्यादा जो है अमेरिका का साथ दे रहा था, है ना। तो इस आक्रमण में, ये जो आक्रमण किया गया दोबारा से इराक पर अमेरिका के द्वारा, तो इसमें लगभग 40 से भी ज़्यादा, पहला बार जो आक्रमण किया गया था इराक में उसमें 38 देश शामिल दिया, साथ दिया था, इसमें कितना, 40 देश साथ दिया था, लेकिन यूएनओ इसका परमिशन नहीं दिया था। ठीक है, आगे देखो, अमेरिका ने इराक पर हमला करने का मुख्य उद्देश्य वहां के तेल भंडार पर कब्जा करना था, यानी कि अमेरिका का जो मेन मकसद था वो क्या था, जो वहां पर तेल भंडार है, है ना, जो वहाँ पर तेल भंडार है इस पर कब्जा करना अमेरिका का जो है मुख्य मकसद था, मैंने कि मैन उसका जो मोटिव था वो क्या था कि हम किसी तरीके से जो यहाँ तेल हो रहा है उसको किसी तरह कब्जा करें। अब कब्जा करने के लिए किसी कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो बहाना क्या बनाया कि अमेरिका ने इराक पर, यानी कि लेकिन अमेरिका ने इराक पर सामूहिक संहार के हथियार बनाने और सद्दाम हुसैन की सरकार आतंकवादी संगठन अलकायदा का समर्थन का आरोप लगाकर यूएनओ की अनुमति के बिना हमला कर डाला। कहने का मतलब है कि अमेरिका का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम किसी तरीके से यहाँ पर जो तेल भंडार है उस पर कब्जा करें, ये उसका मेन मकसद था। लेकिन अब वो करेगा क्या, बहाना क्या बनाया, तो बहाना ये बनाया कि यहाँ पर अलग अलग तरह का हथियार, बम, बारूद, बहुत तरह का मिसाइल बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा कारण बताया कि यहाँ पर जो अलकायदा है, जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, वो इराक में ही रहता है सद्दाम हुसैन के अंतर्गत, तो ये बहाना बना करके जो है वो इराक पर हमला किया। ठीक है, जब आगे जांच किया गया तो इराक में हथियार बनाने का कोई भी सबूत नहीं मिला,
और जब जांच किया गया इसका कि सही में इराक जो है हथियार बना रहा था जिसके तहत अमेरिका जो हमला किया था, तो इस तरह का कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर नहीं मिला। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, सारा पॉइंट समझ में आ गया, ये जितने जो हम आपको बोले ठीक है, इराक पर जो आक्रमण किया क्या क्या हुआ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। जब बाद में जाँच किया गया था तो ऐसा कोई भी हथियार का कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि सही में इराक कोई हथियार भी बना रहा था, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला। अब इराक पर आक्रमण का परिणाम यानी कि फिर से दोबारा से जब 2003 में इराक पर जो आक्रमण किया था अमेरिका, तो इसका परिणाम क्या रहा? तो देखो, मौजूदा सरकार अर्थात सद्दाम हुसैन की सरकार चंद दिनों में चली गई, यानी कि सद्दाम हुसैन जो राष्ट्रपति भी थे साथ ही साथ ये सेना के कर्नल भी थे और बहुत ही खतरनाक आदमी थे, ठीक है। तो मौजूदा सरकार अर्थात सद्दाम हुसैन की जो सरकार है वो चंद दिनों में, चंद का मतलब होता है कुछ दिनों में, चंद का मतलब क्या होता है कुछ दिनों में, तो कुछ दिनों में जो है सद्दाम हुसैन की जो सरकार है वो खत्म हो गई। इराक में लोगों को अमेरिका के खिलाफ गुस्सा काफ़ी बढ़ गया और पूर्ण रूप से विद्रोह उठा, यानी कि इराक के जो लोग थे उनको बहुत गुस्सा उठा अमेरिका के खिलाफ कि ये बिना मतलब का हम लोगों पर दखलअंदाजी क्यों कर रहा है, बिना मतलब का यहाँ के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। तो उसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बढ़ गया, साथ ही साथ पूर्ण रूप से अमेरिका का विद्रोह कर दिया, ठीक है, आंदोलन शुरू हो गया। इस आक्रमण में अमेरिका के 3,000 सैनिक मारे गए, वहीं इराकी सैनिक बहुत ज़्यादा संख्या में मारे गए थे। और ये जो आक्रमण किया गया था अमेरिका के द्वारा इराक पर, तो इसमें जो अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए थे, 3,000 सैनिक मारे गए थे, कितने 3,000, और इसमें इराक का जो सैनिक मारा गया था उसका कोई गिनती नहीं था, बहुत ज़्यादा सैनिक मारा गया था, किसका, इराक का। आगे देखो, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 आम जनता मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जो अमेरिका हमला किया था इराक पर, तो इसमें लगभग लगभग कितना 50,000 से ज़्यादा, कितना 50,000 से ज़्यादा आम जनता मारे गए थे। यहाँ पर सैनिक की बात नहीं हो रही है, अब आम जनता अगर इतना मारा जाएगा तो आप एक अनुमान लगाइए कि सेना कितना मारा गया होगा, क्योंकि आम जनता जो है ना, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी आक्रमण होता है, तो जो आम जनता है वो नहीं जाता है, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हमले के बाद लगभग 50,000 आम जनता मारे गए थे। इराक पर अमेरिका का यह हमला सैन्य और राजनीतिक स्तर पर असफल साबित हुआ। इराक पर आक्रमण, इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय खाड़ी युद्ध, है ना, सेकेंड गल्फ वार, द्वितीय खाड़ी युद्ध। तो द्वितीय खाड़ी युद्ध का आपको समझ में आ गया, ये कब हुआ था, 2003 में, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको शुरुआत में ही हम आपको बताए हैं कि ये जो हमला किया था इराक पर, जो हमला किया था अमेरिका के द्वारा, तो ये कब किया गया था, 19 मार्च 2003 को। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेकेंड गल्फ वार है, सेकेंड गल्फ वार का मतलब क्या हो गया पहले बच्चों, जो खाड़ी युद्ध है आपका, सेकेंड खाड़ी युद्ध वो हुआ था 2003 में, और जो प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में उसको बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीय खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध समझ में आ गया, प्रथम खाड़ी युद्ध में चलाया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो द्वितीय खाड़ी युद्ध है वहां पर चला गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। कौन सा ऑपरेशन, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था द्वितीय खाड़ी युद्ध के दौरान, तो उस वक्त में ऑपरेशन इन इराकी फ्रीडम चलाया गया था, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ वो भी आप समझ गए कि लोग जो है बहुत गुस्सा हो गए, इसको खिलाफ समझे जाने लगा, बहुत तरह का लोगों पर मारे, 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, है ना, और ये द्वितीय खाड़ी युद्ध इसी को कहा गया। अब वर्चस्व क्या होता है, तो वर्चस्व का मतलब तो आपको बता दिए, दबदबा, मनमानी, एकदम सीधा सीधा दादागिरी, मनमानी, किसी का नहीं सुनना, अपना रौब दिखाना, ठीक है। अब देखो, सैन्य शक्ति वर्चस्व के रूप में देखेंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सैन्य शक्ति वर्चस्व के रूप में इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि अमेरिका ने इराक पर सामूहिक संहार के हथियारों को निर्माण करने का आरोप लगाकर बिना वजह आक्रमण किया। यहाँ अमेरिका ने वर्चस्व के रूप में सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, यानी कि एक वर्चस्व जो होता है वो दबदबा मनमानी होता है, लेकिन वर्चस्व के रूप में जो है उन्होंने सेना का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि इस बात को हम लोग नहीं भूलेंगे कि अमेरिका जो है वो इराक पर किस तरह हमला किया, सामूहिक संहार के हथियारों का निर्माण करने का आरोप लगाया, किस पर, इराक पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना, बिना वजह उस पर आक्रमण किया। यही जो है अमेरिका का वर्चस्व के रूप में देखेंगे, जिसको हम लोग सैन्य शक्ति का प्रयोग किया वो वर्चस्व के रूप में, समझ में आ गया, यानी कि बिना मतलब का उस पर जो है कहा कि आतंकवादी को पनाह देता है, ये हथियार बनाता है, इस तरह का आरोप लगा करके वो बिना मतलब का हमला किया, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं था। मेन मकसद उसका क्या था, तेल कब्जा करना, उसका जो तेल का जो खदान था उसी को कब्जा करना, मेन मकसद, मेन उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई सैन्य शक्ति वर्चस्व के रूप में, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वैसे तो हम सोचे थे कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, तो जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट टू आपका होगा प्यारे बच्चों। पार्ट टू में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिका इतना ताकतवर कैसे बना, है ना, अमेरिका जो इतना ताकतवर है वो कैसे बना, और उनके बाद पार्ट टू में ये चैप्टर को जो है समाप्त कर देंगे, ठीक है। इंटरनेट के बारे में छोटा टॉपिक है, एमबीए सबसे पहले अमेरिका में आया था, उनके बाद अमेरिकी शक्ति, रास्ते में रुकावट, ये छोटा छोटा टॉपिक है, तो कल जो है आपको
मतलब ये चैप्टर जो है आपका वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक भी बार आज नहीं बोले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, है ना। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से अगर पहली बार जो भी आए हैं तो, और जो भी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो छोड़ने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ग्रुप वगैरह जहाँ भी हो लगा दीजिएगा। तो आप लोग बताइए फटाफट आज का क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। जो भी पीडीएफ ले लिए हैं अभी जा करके आप पीडीएफ जाकर पढ़िएगा ऐप में, ठीक है, कोर्स में जाकर के, या फिर जो पीडीएफ लिए हैं वो जाकर के ऐप का नाम तनु क्लासेस है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा जिसको अगर लेना हो तो, जो नहीं लिए हैं, बाकी जो ले चुके हैं वो जाकर के अच्छे से पीडीएफ को पढ़िएगा। और कल जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कि कल भी आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी इस टाइम पर 7 बजे शाम को, और जो 7 बजे सुबह है उस वक्त में आपकी कौन सी क्लास होगी, जो भी क्लास होगी 7 बजे सुबह भी आपकी वैसे क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ अच्छे से मेहनत करें, जो चीज़ बताएं उसको रिवाइज करें, नोट करें, सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।